हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप पे। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 8 को, जिसकी एक्सरसाइज 8.1 है। ठीक है गाइस, तो मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। अगर गाइस वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। ठीक है गाइस, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके एंगल का रेशियो दे रखा 3, 5, 9 एंड 13। फाइंड द ऑल एंगल। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, एनी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जैसे कि ए बी सी डी, हमें रेशियो दे रखा है एंगल का, रेशियो ऑफ एंगल यानी कि कोणों का अनुपात, कोणों का अनुपात रेशियो में दे रखा है 3:5:9:13। ठीक है गाइस, ये रेशियो है मेरे पास। गाइस, अगर क्वेश्चन में कभी भी आपको रेशियो दे दे, कभी भी क्वेश्चन में रेशियो दे दे, तो उसे रेशियो ना समझ के उसको एंगल समझना है। लेट कर लिया मैंने, एंगल ए को मान लिया 3x, एंगल बी को मान लिया 5x, एंगल सी को मान लिया मैंने 9x और एंगल डी को मान लिया मैंने 13x। ठीक है गाइस, मानने के बाद में हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम इक्वल होता है 360 डिग्री के। ठीक है, तो मैंने क्या काम करा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। एंगल ए दे रखा मुझे 3x, 5x, 9x एंड 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है गाइज, मैंने सबको सम करा, कितना आया मेरा 30x आया, इज इक्वल टू 360। ये मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में। डिवाइड करा मैंने 30 का, डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 12। ठीक है, तो जो मेरे एंगल मैंने एज्यूम किए थे, एंगल ए को एज्यूम किया था 3x, एक्स की जगह आ जाएगा 12, 12 3 36, यानी ये हो जाएगा 36 डिग्री के एंगल। एंगल बी जिसको मैंने एज्यूम किया था 5x, एक्स की जगह आ जाएगा 12, 12 5 60 डिग्री। एंगल सी जिसको मैंने एज्यूम किया था 9x, 9:12, 12 9 108 एंड एंगल डी को मैंने एज्यूम किया था 13x, 13:12, कितना आ जाएगा 156 डिग्री। ठीक है गाइज, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है गाइज, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि इफ़ द डायगनल ऑफ अ पैरलोग्राम आर इक्वल देन शो इट इज़ अ रेक्टेंगल। यानी क्वेश्चन में गिवन है कोई पैरलोग्राम है हमारे पास, ठीक है, जैसे मान लो मैंने पैरलोग्राम बना लिया ए बी सी डी, गिवन पार्ट में क्या लिखेंगे, गिवन यानी कि दिया है। ठीक है गाइज, गिवन में लिखेंगे हम कि ए बी सी डी मेरा है पैरलोग्राम, ठीक है, और बोला गया इसके डायगनल भी इक्वल है, डायगनल इक्वल है। जैसे मान लो मैंने डायगनल बना लिया, एक तो हो गया ए सी, दूसरा हो गया मेरा बी डी, ये भी गिवन है कि ए सी इक्वल है मेरा बी डी के, ए सी इक्वल है बी डी के, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया डायगनल आर इक्वल एंड ये पैरलोग्राम है गाइज। क्या है पैरलोग्राम, पैरलोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। ए बी इक्वल होगा सी डी के एंड ए बी ऑल्सो पैरेलल टू सी डी, ए डी इक्वल टू बी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, ये मेरा हो गया गिवन पार्ट। ठीक है गाइज, इसको नंबर 1 मान लो, 2 मान लो और 3 मान लो, ये तो क्वेश्चन में गिवन बोला गया क्वेश्चन के अंदर ही, और हमें पता है अगर कोई पैरलोग्राम होता है तो अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। अब बोला गया प्रूव करो कि रेक्टेंगल है, टू प्रूव सिद्ध करना है कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, ए बी सी डी एक आयत है। ठीक है, अब रेक्टेंगल की कंडीशन क्या होती है, रेक्टेंगल की कंडीशन होती है अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल एंड ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो इक्वल तो ऑलरेडी है ये, अपोजिट साइड इक्वल तो है, पैरेलल भी है। प्रूफ हमें ये करना है कि इसका एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, चारों एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। हमें प्रूफ ये करना है गाइज, ठीक है, कि चारों एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। अब उसको प्रूफ करने के लिए मैं देखो मैंने क्या करा, प्रूफ यानी कि सिद्ध, मैंने दो ट्रायंगल लिए, एक ट्रायंगल लिया ये वाला बी ए डी और दूसरा ट्रायंगल लिया ये वाला, इसका नाम रखा सी बी ए, दो ट्रायंगल लिखे मैंने। ठीक है गाइज, ए बी इसमें भी आ रहा है, ए बी इसमें भी आ रहा है, एक कॉमन मिल गया। दूसरा रीज़न,
बी डी इक्वल है ए सी के, बी डी इक्वल है ए सी के, जिसको मैंने वन के अंदर पढ़ लिया था। तीसरी चीज़, ए डी इक्वल होगा बी सी के, क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ अ पैरलोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ पैरलोग्राम आर इक्वल, क्योंकि ए डी इक्वल किसकी है? बी सी की, जिसको मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है। क्यों? क्योंकि पैरलोग्राम की साइड है, तो दोनों ट्रैंगल क्या हो गए मेरे? कॉन्ग्रेंट हो गए। मैंने लिखा इन ट्रैंगल ए डी बी एंड ट्रैंगल ए बी सी, ठीक है गाइज। लिखने के बाद मैंने लिखा ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, ए बी ओ बी हो गया दोनों के अंदर कॉमन, यहाँ लिख दिया मैंने कॉमन, कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ, ठीक है गाइज, उभयनिष्ठ हो गया। दूसरा रीज़न, बी डी इक्वल है ए सी के, जिसको मैंने वन में प्रूव कर रखा था फ्रॉम वन, समीकरण एक से, ठीक है गाइज। तीसरा रीज़न, ए डी इक्वल है बी सी के, यहाँ लिखूँगा अपोजिट साइड ऑफ पैरलोग्राम, ठीक है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की अपोजिट साइड क्या होती है? समान होती है गाइस, क्या होती है? समान, ठीक है। पहले साइड आई, फिर साइड आई और फिर साइड आई, इस रूल से ट्रायंगल एडीबी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल एबीसी के बाय एसएसएस कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरियन, ठीक है गाइस। मैंने प्रूफ कर दिया दोनों ट्रायंगल मेरे क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो सारे पार्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी के थ्रू क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के, नाम लिखा मैंने डी ए बी इक्वल होगा एंगल सी बी ए के बाय सीपीसीटी, ठीक है गाइस। इसको नंबर एक दे दिया, इसको नंबर दो दे दिया, मैंने दोनों को दे दिया। देने के बाद क्वेश्चन में पहले ही लिखा जा चुका है एक बराबर है दो के, तीन चल रहा था, इसको नंबर चार दे दो। क्वेश्चन में पहले ही लिखा जा चुका है कि जो ए बी सी डी क्या है, वो एक पैरलोग्राम है, ए बी सी डी, इसको मैंने एक दे रखा है, इसको मैंने नंबर दो दे रखा है। ए बी सी डी पैरलोग्राम है, अगर ये पैरलोग्राम है तो इसमें जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, यानी कि इन पैरलोग्राम ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में एंगल ए और एंगल बी दोनों का सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। रीजन में आएगा इंटीरियर एडजेसेंट एंगल, यानी कि आंतरिक आसन कोण, ठीक है गाइज, आंतरिक आसन कोण आ गया। क्यों? क्योंकि पैरलोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल भी होते हैं, उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। और ए कितना है? एंगल वन। बी कितना है? एंगल टू, इक्वल टू 180 डिग्री। हमने लिखा है यूजिंग फोर, समीकरण चार के प्रयोग से, ठीक है गाइज। एक बराबर किसके हैं? दो के। तो मैंने एक को रिप्लेस कर दिया दो के साथ, दो, ये कितनी बार आया? दो बार। तो मैंने यहाँ लिखा दो इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा? डिवाइड में, डिवाइड बाय टू, ये आ गया 90 डिग्री। जितना मेरा एंगल दो होगा उतने मेरा कौन होगा? एंगल वन होगा, उतने मेरा कौन होगा? एंगल वन होगा। और गाइज हमें पता है एंगल एक और एंगल दो दोनों कितने डिग्री के आगे? 90 डिग्री के आगे। पैरलोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। पैरलोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जितना एंगल बी है उतना एंगल कौन होगा? डी होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरलोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इसको, मैं लिख देता हूँ अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरलोग्राम आर इक्वल, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, जिसकी वजह से एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के,
ठीक है गाइज। और हमने अभी अभी प्रूफ कराया है, किया है क्या, कि एंगल एक और दो बराबर हैं। एक कोण है ए और दो कोण है बी, यानी एंगल ए और बी बराबर हैं। मैंने प्रूफ करा है एंगल ए और एंगल बी क्या है, बराबर है, दोनों 90 डिग्री के। बी किसके बराबर है, एंगल डी के, और बी बराबर डी के आ गया, ठीक है। और बी किसके बराबर है, ए के, तो यानी कि ये सी के भी इक्वल होगा, और ए बराबर है सी के, ठीक है। तो चारों एंगल कितने डिग्री के आ गए, 90 डिग्री के आ गए। और यही मुझे प्रूफ करना था कि इसके चारों एंगल कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। अगर चारों एंगल 90 डिग्री के हैं तो क्या बन जाएगा, ये रेक्टेंगल बन जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड तो पहले से इक्वल है, ठीक है गाइज। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है गाइज। आगे के सॉल्यूशन में अगली वीडियो में डालूंगा। ओके गाइज, बाय बाय, थैंक यू।